गोगांव पुलिस द्वारा अलग अलग तीन प्रकरणों में 6 लोगों पर कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जिला खरगोन तहसील गोगांव की, जहां पुलिस टीम द्वारा अलग अलग तीन प्रकरणों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर खरगोन न्यायालय भेजा जाएगा। गोगांव थाने पर पदस्थ ASI राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सिग्नूर टेमरनी के बीच पुलिस टीम ने आरोपी कमलेश पिता कमल निवासी बाड़मेर राजस्थान को 2 पिस्टल एवं 8 जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उधर समीपस्थ ग्राम मोहम्मदपुर में 4 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ मौके से पकड़ा गया, जिनके पास से नकदी एवं ताश पत्ती पुलिस ने जब्त की। वहीं ग्राम शाहपुरा की बेड़ी से एक व्यक्ति को 55 लीटर कच्ची शराब के साथ मौके से पकड़ा गया। 3 अलग अलग मामलों में पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही कर खरगोन न्यायालय में पेश किया गया। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। मामले में यह है कि कल एक व्यक्ति राजस्थान का है जो सिग्नोर में पिस्टल खरीदते हुए इसको पकड़ा। 2 पिस्टल उससे बरामद की गई और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक व्यक्ति उसमें फरार है, उसकी तलाश जारी। और ग्राम मोहम्मदपुर में ताश पत्ते का जुआ खेलते 4 लोगों को पकड़ा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और एक प्रकरण में शाहपुरा बेड़ी में कच्ची शराब का एक प्रकरण बनाया है। इन्हें आज कब पेश किया गया? आज इनको सभी को न्यायालय पेश किए गए हैं। सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह चौहान, उप निरीक्षक थाना गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।